हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में देख रहा हूँ शुरू वीडियो है, अब सब लोगों की वीडियो अच्छी लगे, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबको वक्त देकर देख लिया, पर शायद अकेले रहना ही बेहतर है मेरे लिए। ये दुनिया पराई। अरे वाह आंटी, अपनी बेटी को संस्कारी बताते हो, दूसरों की बेटी को चरित्रहीन बताते हो। वाह रे मदर चोद जमाना, वाह अभी भी टाइम है, सुधर जाओ बहन, क्योंकि जिंदगी में दोगले लोगों जैसे फरिश्ते और बाबूश होने वाले रिश्ते बस कुछ टाइम तक टिकता है। हाँ निकल ना उड़े, उड़े गाली उधर वीडियो में। नया साल नए रिश्ते बनाते हैं, पता नहीं ये भोसरी वाले दोस्ती के नाम पर कितनों का चूतिया बनाते हैं। मादर चोट के बच्चे, मुझे वार्निंग दी गई थी कि तू गाली, पर मैं उसको धोखा देकर भाई बाबू तो बच जाएगा। कर्मा है मेरी जान, सबकी गांड मारेगा। मादर चोट के बच्चे, मादर चोट के बच्चे, ये कितनी प्यारी लड़की है। और मादर दर्द हो रहा है, क्या यार ये लड़कियों वाली बीमारी। मेरी जान, तू मेरे पीरियड्स के दर्द को नहीं समझ पाया तो तू क्या मेरे प्यार को समझेगा। आज जिस दिन ये दर्द बर्दाश्त करना बंद कर दिया ना एक औरत ने, यकीन मान तू कभी बाप नहीं बन पाएगा। आंखें देखी हैं इसकी, सिर्फ रेस्पॉन्स। आजकल के आशिक भी कमाल करते हैं, दो दिन प्यार दिखाकर चार दिन तक इस्तेमाल करते हैं। एक दिल में 100 दर्द देते हैं, और ये आजकल के आशिक अपने आप को हमदर्द कहते हैं। बोले फटे लेके जाएंगे देखू मैं पकड़े, तेरे बाजू वाले मेरे गाने बजा दे। टाइम में कोई अपना नहीं होता, इस बात का एहसास मेरे अपनों ने ही मुझे दिलाया है। स्पेशल लगता है चूज किए हुए हैं। मीठा आम कभी कच्चा नहीं होता, सच्चा नहीं होता। अपना काम निकलवाने के लिए ये लोग मीठे बन जाते हैं, बोली सूरत और मतलबी सीरत लेकर ये भोसरी वाले अपने आपको भरोसे वाले बताते हैं। चोट के बच्चे, मादर चोट के बच्चे, मादर चोट के बच्चे। तुम ब्रेकअप के बाद इतने सालों बाद कैसे? कुछ नहीं, बस अपने बच्चों को साफ दिखाने लाई। DRX, चाहे तुम कितने भी फिल्टर लगा लो रहोगे तो तुम। मादर चोट के बच्चे, यार मेरी लाइफ में वापिस आ जाओ, मेरे दोस्त ने मुझे भड़का दिया था। मेरी जान, कोई किसी को नहीं भड़काता है, जब कट जाता है ना तो इंसान को पुराना तुरुलो भी याद आता है। इनको देखिए, इनको लगता है इनका बाबू इनसे शादी करेगा। जोर का झटका, शादी बन गए। नहाते ये 4-5 दिन तक नहीं है, और सपने पूछो तो इनके सावन। चोट के बच्चे, मादर चोट के बच्चे, मादर चोट के बच्चे। तकदीर लिखने वाले के एहसान लिख दे, मेरी माँ की किस्मत में मेरी मुस्कान लिख दे। ना मिले जिंदगी में कोई गमों से, चाहे उसकी किस्मत में तुम। सेंस है, दिमाग है, अरे जाओ यार। तूने मुझे छोड़ दिया, चल कोई बात नहीं, लेकिन ये बंदी वो भी रोई तेरे लिए। मादर चोद, तेरी इतनी औकात नहीं। अच्छा अपनी मुंह से दफाओ दफाओ जिंदगी जो मेरी, दफाओ दफाओ जिंदगी। मैं तेनू समझा बाकी कि तेरे बिना सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब दोबारा वापस आके फीलिंग की मैं मत चोदना। मादर चोद के बच्चे, मादर चोद के बच्चे। यार तू ही मुझे बुरा कहती है, वरना मेरी बंदी भी मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करती है। गंदी। कभी यहाँ
करते हो, कभी वहाँ बात करते हो। ये मुंह मड़वाने का तरीका नया है तुम्हारा, ये खानदानी शौक है। उसने एक ही गाल पकड़ा हुआ है उसके बच्चे, उसने भी उसको ऐसे बच्चे। दोगले लोगों की एक ही बीमारी होती है, जब तक इनका काम निकल रहा है तब तक इनकी यादें सर इनके साथ पाला पड़ता रहा है। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, निकल लौड़े। अगर मेरे पहले बात करने से फिर तेरी हो सकती तो भैंचो तुम गांड मराओ। यार इतना प्यारा निकल पाएगा जब आपने पहली फुर्सत में निकल। एक पटाओ लेकिन नेक पटाओ, जो तुम्हारी फीलिंग्स की माँ चोद है उस मादर चोद को। ये मैं तुझे प्रोमोस कर रहा हूँ, तुम पता है चोद के बच्चे, मादर चोद के बच्चे, मादर चोद के बच्चे। यार भले ही मैं तुम्हारा एक्स हूँ लेकिन आज भी दिल से तुम्हारी केयर करता हूँ। मेरी जान अपनी इम्पोर्टेंस और फेक केयर ना अपनी गांड में डाल लो, लेकिन वापस आके ना मेरी फीलिंग के दो वर्ड बोल दी है, तीन गालियां दे दी है, निकल लौड़े। और एक म्यूजिक का ड्राइवर लगा दिया उस भोसड़ी वालों को अपने महफिलों से लौटा दिया करो, बट इन बहन के टको को ना दूसरा मौका दफा हो, दफा हो, दफा हो, दफा हो, दफा हो, जिंदगी जो मेरी, दफा हो, दफा हो, जिंदगी जो मेरी। जो तुम्हारा है ही नहीं उसके लिए मत रोया करो, ये जो तुम्हारी मुस्कान है ना मेरी जान, तुम्हारे बाप की जान है, इन दो टके कैश को मत रोया करो। स्टार्टिंग में इनके नजरों में सिर्फ आप होंगे, जरा टाइम से पहचान लेना इन चेहरों को मेरी जान, क्योंकि इन्हीं में से कई सांप होंगे। अच्छा मेरे में अच्छा भी है इसका नॉट ऑल। यार एक मौका और दे दो। दिल है मेरा तुम्हारी अम्मा के दिए हुए दहेज में बर्तन नहीं है, कभी भी तोड़ के चले जाओगे। मादर चोद के बच्चे ये सो गए। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ ना? नहीं क्यों? अकेले काफी हूँ। इतना प्यारा होने का क्या मतलब है? जब आप इसी तरह ही चलते चलते हम इसी बता दो लगने चाहिए तो लग गए मेरे तो लग गए। क्या हुआ यार, क्यों रो रही है? यार हम उनसे दिल लगा बैठे, खाली पॉकेट में बहन तो सुकून की मां चुरा ले। अब माफी दे दे कुड़ी, ये माफी दे दे। मेरा दिल कह रहा है मैं रोस्ट कर मैं जग जग में पानी, बाबू सोना के चक्कर में डूब जवानी पहला रोस्ट है और किसको पकड़ लिया, किसी लड़की को पकड़ लिया ना कर, पर इसने भी तो हद कर दी है यार। पर मेरी पंच लाइन है ना, मैं गाली दी है कोई, सभी यूज कर सकते हैं मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, बट इसकी वीडियो में गाली है तो वो हेडफोन लगा लीजिएगा आप, तो वो मुझे पहले बताना चाहिए था नहीं से। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे ये लाइव रोस्ट करना पड़ना है, मैं तो कहा था आप लोगों को शायद अच्छी लगे वीडियो स्टार्टिंग में, बट इसने तो आखिर कर दिया आखिर, मतलब कि इतना ही नफरत है लड़कों से इतनी ज्यादा, तो वह तो वह तो वह तो वह ये मेरे ख्याल से पहली रोस्ट वीडियो होगी जिसमें मीम्स का यूज नहीं हुआ होगा लाइव में। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।